नमस्कार 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरोध और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं पेरेंटिंग कोच सुशांत कालरा, पेरेंटिंग से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार, मैं कमल बोल रहा हूं और मैं डॉक्टर कालरा से ये जानना चाहता हूं कि आजकल जो बच्चों में जिद्दीपन का ये सिम्टम शुरू हो गया, उसका बिगेस्ट रीजन क्या है? और कहीं आपको ये ऐसा नहीं लगता कि स्कूल्स में मोरल एजुकेशन होना चाहिए ताकि उनके स्वभाव को कंट्रोल किया जा सके और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर सके? कमल जी, स्कूल जो करता है करें, हम अब चलो पेरेंटिंग की बात करते हैं। जिद्दीपन आजकल इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम एज पेरेंट्स उनके साथ टाइम बिताने में कमी हो रही है, इसलिए हम उनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनको चाहिए वो हम देना चाह रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए कुछ और देके उनको खुश किया जाए। तो जब हम उनको देते हैं और दिए जा रहे हैं और जब हम किसी चीज को मना करते हैं, वो जिद करना शुरू कर देते हैं और जिद के बाद उनको फिर वही चीज मिल जाती है। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला हमने एक्चुअली खुद बच्चों को सिखा दिया है। जिद करोगे तो मिलेगा। पापा के साथ 3 बार जिद करनी पड़ेगी, मम्मी के साथ शायद 2 बार, दादा के साथ 1 बार और शायद नाना के साथ करनी ना पड़े। सो क्योंकि उनको ये फॉर्मूला समझ आ गया कि किसके साथ कितनी जिद करके क्या मिल जाएगा, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और जो दूसरा सवाल था कि क्या स्कूल्स में मॉरल साइंस वापस शुरू होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए मॉरल एजुकेशन, डू यू थिंक इट हेल्प्स? मॉरल एजुकेशन डेफिनेटली हेल्प्स, बट इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन। इसको अगर हम अपने रवैये में लेके आए, अगर हम अपने आप को देखें कि क्या मॉरल एजुकेशन और उसके रूल्स हम खुद फॉलो कर रहे हैं, तो मोरालिटी आपसे शुरू होती है, किताबों से नहीं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही। बहुत सारी चीजों में बच्चा आपसे ही सीख रहा है, तो अपने एक्शंस पर भी नजर डालें। कोई और सवाल है आपके मन में सुशांत कालरा जी के लिए तो कॉल लगाएं। 3992-7927 हमारा नंबर है। दिल्ली मेरी जान है ये, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरोध 92.7 बिग एफएम पर। वेरी गुड मॉर्निंग।